कंपनी के मोबाइल टावरों से टावर कार्ड चोरी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में चलाए जा रहे चोरी लूट के वांछित अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी में दिनांक 30 जनवरी 2019 को आइडिया कंपनी के मोबाइल टावर से टावर कार्ड चोरी किए थे। साथ ही कुछ बहुत ही मुख्य सामान इनके द्वारा चुराया गया था। सर, मोबाइल कंपनियों को एक अलग तरीके से आजकल चूना लगाने का काम चल पड़ा है, तो आपने गिरफ्तारी हुई है सर, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और कैसे ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, दो लोग जो हैं, एक का नाम शालीन है और दूसरे का नाम सतीश है। एक इसमें दिल्ली का रहने वाला है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल टावर से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सामान टाइप का, जो है आरयूएस कार्ड बोलते हैं, वो चोरी किया करते थे और उसको लेके बेच दिया करते थे कबाड़ियों को, और इस तरह से करके गलत तरीके से धन अर्जित किया। कितनी घटनाएं सर इन्होंने की होगी, कितना धन अर्जित किया होगा कुछ अभी तक जानते हैं? देखिए, अभी तक तो जो हम लोगों ने जो घटना का वर्कआउट किया वो 30 तारीख की घटना है, उसमें 7 आरयूएस कार्ड इन लोगों ने चोरी किया था। बाकी इनका मोटस ऑपरेंडी है और भी जानकारी दी जाएगी, और बाकी तफ्तीश के बाद प्रकाश में आएगा कि इन्होंने कितनी घटनाएं की हैं। बट ये जानकारी आम है कि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं, तो इन लोग का और भी नंबर हो सकते हैं, इनका एक कोई बड़ा गैंग नेटवर्क हो सकता है जो अलग अलग जगहों पर। आखिरी बस ये सर, मोबाइल कंपनी से भी क्योंकि आपकी बात हुई होगी, तो किस तरह का नुकसान इससे होता है? कस्टमर को भी होता होगा जाहिर है, जब टावर चला जाता होगा तो परेशानी होती होगी इस टाइप से। देखिए, इस तरह से जब भी कोई मोबाइल टावर डिसफंक्शनल हो जाता है तो एकदम लाजिमी है कि वहाँ पे नेटवर्क डाउन हो जाता है, और उस तरह से उस व्यक्ति के, उस कंपनी के भी कस्टमर परेशान होते हैं, कॉल ड्रॉप की कंप्लेंट आनी चालू हो जाती है। पुलिस ने इन अपराधियों को दीपक विहार खाली प्लॉट से समय करीब 6:15 पर सुबह गिरफ्तार किया गया। अपराधियों की पहचान शालीन पुत्र बुंदू खां व मोहम्मद शकील पुत्र इकबाल के रूप में हुई।